मुझे डर है कि हमारे आसपास के क्षेत्र जात कब भड़क करके कुछ गड़बड़ कर दें। 12 दिन से वो देख रहे हैं सरकार को जी। कि वो सुध नहीं ले रही, तो उनमें आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उससे पहले आक्रोश बढ़े अनहोनी को रोकने के लिए सरकार को, नए मुख्यमंत्री को तुरंत प्रभाव से चार करके बात करके काम करना चाहिए। झज्जर जिले के जो DC हैं उनका जो रवैया है जी, एक प्रशासनिक अधिकारी की जो जिम्मेवारी है वो निर्वाह नहीं है। तो अभी रमेश दलाल जो भूमि बचाओ या फिर जाट आरक्षण आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाले, साथ में समगोत्र विवाह के ऊपर बैन लगाने की जो जिद को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, उनकी आंदोलन का 12वां दिन है आज, तबीयत उनकी बिगड़ गई है। मेरे साथ लाइन पे जुड़ गए हैं रमेश दलाल जी, हमारे दर्शकों को राम राम कर दीजिए। आपके दर्शकों को, देश और हरियाणा की जनता को मेरा नमस्कार। दलाल साहब, कल की जानकारी मिली, कल रात में आपकी पल्स और लीवर पे भी इफेक्ट है, वजन आपका 12 किलो कम हो चुका है, साथ में आपकी तबीयत एकदम से बिगड़ गई थी, तो ऐसी जानकारी आ रही है, उसके बारे में थोड़ा आप बताओ दर्शकों को जी। बिल्कुल, वजन बहुत कम हो गया है और अब मैं उठने की स्थिति में नहीं रहा हूँ जी। पहले तो था, और जो हृदय गति है वो कल बहुत डाउन चली गई थी जी जी, और आज सिर में दर्द है और पेन किलर भी खाना पड़ा है खाली पेट, तो किडनी पर ज्यादा असर करता है। बिल्कुल बिल्कुल दलाल साहब, ये तो मैं हमारे चैनल की तरफ से भी आपको एक बार अपील करना चाहूंगा थोड़ा सा। लेकिन हौसला मेरा बुलंद है। मेरी पहले दिल्ली पुलिस की VIP सुरक्षा थी जी, तो अभी जो पहले मेरे PSO थे जी सुरेश अलाव जी, वो मिलने आए हुए जी 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 जी, और एक अपना लड़का है ढाकले का, वो जज की तैयारी कर रहा है जी। उसके पिताजी शहीद हो गए थे कारगिल की लड़ाई में। नाम बोलना, कल रात को जैसे ही दलाल साहब तो वो समर्थन देने आए, तो ऐसे ऐसे लोग समर्थन देने आ रहे हैं जी जी, जो कारगिल में शहीद हुए जी। उसकी विधवा और उसका बेटा जी, वो समर्थन देने आए हुए हैं, तो सब दूर दूर से लोग आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दलाल साहब, मेरा हौसला जी, मेरा हौसला बुलंद है, जब तक मांग पूरी नहीं होगी जी रमेश दलाल डटा रहेगा। जो मेरा नारा है जी, कि 12 राज्यों के जाटों को जब तक OBC में आरक्षण नहीं मिल जाता, सम गोत्र विवाह को जब तक गैर कानूनी घोषित नहीं कर दिया जाता, तब तक रमेश दलाल आखिरी सांस तक लड़ेगा, वो झुकेगा नहीं, मर जाएगा। रमेश दलाल जी, जैसे ही कल रात को आपकी धरना स्थल से आपकी वीडियो वायरल हुई, भाई तबीयत आपकी बिगड़ गई है, तो उसके बाद पूरी दुनिया में एक एक बातचीत चलने लगी कि भाई अब क्या होगा, आपकी स्थिति नाजुक बनी हुई है, तो सब मतलब पूरे हरियाणा के या फिर भारत के जो खासकर जाट बिरादरी के लोग जो पूरी दुनिया में रहते हैं कम्युनिटी के, जाट कम्युनिटी के, उन लोगों में जिरह का विषय बना हुआ भाई। वो कुछ लोग तो कल पहुंचे भी आपके पास एकदम से, जैसे ही वहाँ हजूम उमड़ गया रात में, रात को बहुत हजूम उमड़ गया जी, और अभी फिर वीरेंद्र पहलवान जी आए सामने मेरे, सब आ ही रहे जी जी। तो मेरा ये कहना है कि जाट की बात नहीं, मैं 36 बिरादरी की लड़ाई लड़ी और 36 बिरादरी की लड़ाई लड़ रहा हूँ जी जी जी। और दूसरा, लेकिन सरकार का जो रवैया है जी, हमारा मुख्यमंत्री चला गया, दूसरा मुख्यमंत्री आया जी जो हमारे किसानी से है जी, सैनिक समाज से जी। अब देखते हैं कि पहला मुख्यमंत्री तो सोता रहा जी, और सोते सोते उसकी कुर्सी चली गई, नींद में ही रहा, खुली नहीं। तो आपकी तरफ से नायब सैनी को कोई संदेश? मेरी नायब सैनी को एक तो शुभकामनाएं जी कि वो हरियाणा को आगे ले जाए, और दूसरा जी राजकुमार सैनी ने तो जी भाईचारे को बिगाड़ा था जी, और जात आरक्षण का विरोध किया था, जबकि सैनी और जात आपस में भाई हैं जी, और नायब सैनी से मैं आशा करता हूं कि तुरंत आज शपथ लेते ही वो सबसे पहले जात आरक्षण के बारे में रमेश दलाल और दूसरे लोगों से बातचीत करके जी, और इस बात को सिरे चढ़ाए, जाटों को आरक्षण मिले, उनका सम्मान बढ़ेगा। आखिरी सवाल है दलाल साहब, क्योंकि देखो कोई भी आंदोलन है वो बलिदान मांगता है, शहादत मांगता है, और आपने तो इतने सारे आंदोलन 55 लड़ाइयां लड़ी हैं, सबसे
गनीमत की बात यह है भी आप हर लड़ाई को टेक्निकल तरीके से जीतते हैं। आपको जो आपकी वकालत रही है सुप्रीम कोर्ट की, वो नॉलेज तजुर्बा और ग्राउंड का तजुर्बा जमीनी हकीकत से आप वाकिफ हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि भाई टेक्निकल तरीके से जो आपकी मांगे हैं, इन मांगों को कोई का विरोध करने का कोई बहाना है सरकार के पास या नहीं? नहीं, मैं फिर से एक उदाहरण देता हूँ जी। अपने संविधान में आर्टिकल 14 जिसको हिंदी में अनुच्छेद 14 कहते हैं, वो समानता के अधिकार की बात करता है। अरे जाटों को 3 जगह बांट दिया, जाटों की 3 कैटेगरी हुई। एक कैटेगरी जिनको राज्य में आरक्षण मिला हुआ है जी, उसमें आगे 9 राज्य। एक कैटेगरी जिनको सेंट्रल और राज्य में आरक्षण मिला, उसमें आगे 2 राज्य, राजस्थान और गुजरात। और एक कैटेगरी जिसमें अभी न राज्य में आरक्षण मिला न केंद्र में मिला जाटों को, उसमें आ गया हरियाणा और भरतपुर और धौलपुर राजस्थान के। तो जाटों में 3 कैटेगरी, जबकि और जितनी भी बिरादरियों को आरक्षण मिला है उन सबको पूरे देश में मिला। उनको ये नहीं कि एक प्रांत में मिल गया और एक प्रांत में नहीं मिला, और जाटों को 3 श्रेणी में बांट दिया। तो एक तो मजबूत है, दूसरा मंडल कमीशन के पहरा 9.25 और 8.40 वो हमारा समर्थन करते, उसमें हमारी सिफारिश की गई थी। बल्कि उसमें तो यहाँ तक बात थी कि स्टूल ट्राइब में डलने चाहिए, तो ओबीसी के लिए तो हमारा पहला हक बनता है। और दूसरी बिरादरियां जो हमारे समकक्ष थी उसमें हाइर, गुजर, यादव, कुर्मी, कोयरी, सैनी भाई, उन सबको आरक्षण मिल गया, एक हम ही बचे हुए हैं। इसमें तो हमें पाकिस्तान के नागरिक जाटों को नहीं समझा जाए, इसलिए हमारा हक बनता है। दलाल साहब एक चीज और पूछना चाहूंगा, एक तो आपकी मैंने सबसे बड़ी कमाई ये लगी, जब भी हम धरना स्थल पर कोई भी पत्रकार साथी पहुंचता तो वहाँ अलग अलग बिरादरी के लोग, सर्व छत्ती बिरादरी के लोग मिलते हैं, और ये आपकी कमाई है हम मानते हैं। लेकिन ऐसे में आप ये बताओ, क्या ये जो कोटा आप मांग रहे हैं जाट आरक्षण मांग रहे हैं आप, इसमें किसी बिरादरी का कोटे में सेंधमारी तो नहीं होती आपसे? नहीं जी, वो इसलिए नहीं होती, जब सेंटर की हम ओबीसी में मांग रहे हैं जी, तो जाटों की आबादी 1.5% है, 27% आरक्षण है जी। उसमें हजारों जातियां शामिल है जी, उसमें ये भी एक जाति शामिल हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? और पूरे देश में 2 कैटेगरी बना रखी है, हम तो हमारी जो समकक्ष कृषि जातियां हैं उनके उसमें जाएंगे, नीचे वाली जातियों का तो कोई फर्क पड़ना नहीं। जो ओरिजिनल जैसे एक बैकवर्ड अति बैकवर्ड है, मान लो बिरागी है, लवार भाई है, सैन समाज है जी, प्रजापत है, उनको तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ना जी। जी अच्छा दलाल साहब, स्वास्थ्य की टीम आपको आपकी निगरानी कर रही है, अच्छे से आ रही है स्वास्थ्य टीम? नहीं, स्वास्थ्य टीम को जिस ढंग से वो होना चाहिए, कल रात को आए थे, सुबह आए थे जी, लेकिन उसके बाद में वो एक एम्बुलेंस उनकी खड़ी रही। अभी जो है ना, जो मेरी तबीयत खराब हुई और पेन किलर लिया, मुझे वोमिटिंग हो रही थी जी, और डायरिया से, और मैं होने के बाद जो मैं कमजोर हो गया, तो उसको गाड़ी में से बुला के लाना पड़ा जी। हमें पता ही नहीं था कि आपको चेक भी करना है, तो हमने पूछा आपकी ड्यूटी के, ड्यूटी तो यही लगा रखी है, कोई टेक्नीशियन है? फिर ड्यूटी किसे लगा रखी है भाई, तू पुलिस में थोड़ी है जी, तू आरटीओ थोड़ी है कि अपनी गाड़ियों का हिसाब किताब रोड पे देख रहा है? दलाल साहब ऐसा ऐसा इसका मतलब मुझे लगता है जी जी जी, हमारे एक तो झज्जर जिले के जो डीसी हैं जी, उनका जो रवैया है जी, वो एक प्रशासनिक अधिकारी की जो जिम्मेवारी है वो निर्वाह नहीं है जी। ये ऊपर से जो मुख्यमंत्री जो दूसरी जो अधिकारी हैं, उन सबका कोई जो रवैया है जो होना चाहिए आंदोलन को लेकर वो नहीं है। और एक ये शिकायत है जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जो नए बने नायब सैनी जी, कि जहाँ उग्र आंदोलन होते हैं, कोई रेल रोकता, रोड रेखते, तो आप 1 घंटे में वार्तालाप शुरू करते हैं, और भी गांधीवादी तरीके से जो हिंसा को रोक करके आंदोलन कर रहा है ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत न हो और समाज में आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं बढ़े, मार काट नहीं बढ़े, उस आंदोलन में आप आज 12वां दिन हो गया और आपने बातचीत भी नहीं की। तो इसलिए आप प्रजातंत्र को, जो वर्तमान दोनों केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार है, वो प्रजातंत्र को खत्म करके और इनको दूसरे रास्ते पर ले जा रहे हैं, अराजकता पर ले जा रहे हैं। जब अराजकता में अभी कुछ आंदोलन चले जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो उनके दरवाजे पर खुद ये चले जाते हैं, और जो गांधीवादी तरीके से समाज जो मांग करे जाट समाज, तो उसके लिए हालचाल भी नहीं पूछते। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है।
ये तो वो बात होगी, यदि आंदोलन में जाम करें तो फिर कहते जाम लगाते हैं, और आप शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं तो आपकी सुनवाई नहीं कर रही। और मुझे डर है कि हमारे आसपास के क्षेत्र जात कब बढ़ कर तो अभी रमेश दलाल जो भूमि बचाओ या फिर जाट आरक्षण आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाले कि वो सुध नहीं ले रही, तो उनमें आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उससे पहले आक्रोश बढ़े अनहोनी को रोकने के लिए सरकार को नए मुख्यमंत्री को तुरंत प्रभाव से जी ये फिर भी विचार करके बात करके काम करना चाहिए। दलाल साहब आंदोलन तो मांडोठी में हो रहा है लेकिन पूरी दुनिया की जाट बिरादरी की नजर आपके ऊपर बनी हुई है इस टाइम, तो पूरी दुनिया में जाट कम्युनिटी जहां जहां भी है उसको कोई मैसेज आप देना चाह रहे हैं? 12वां दिन आपका है भूखड़ताल का। देखो मैं जाट भाइयों को तो ये मैसेज दूंगा कि हमने सभी बिरादरियों का सम्मान किया है, आगे भी हम सभी बिरादरियों का सम्मान करेंगे। देश में चाहे सीमाओं में रक्षा की बात हो, जैसे अभी मेरे सामने कारगिल की जो शहीद हुए थे हमारे ढाकला गांव से, जी जी, उनकी विधवा उनका बेटा मेरे पास बैठे हैं, गीता देवी उनका नाम है जी। तो हमारा काम है कि हम देश सेवा करें, हम समाज की सेवा करें, सब साथियों को, सब बिरादरियों को, देश के सभी धर्मों को हम बिल्कुल आगे लेके चलें। हम भेदभाव ने किया है जाट समाज में, ने करेगा, और दूसरी बिरादरियों से पूरी दुनिया में मेरी प्रार्थना है भारतीयों से कि हमने सबका सम्मान किया है, पहली बार जाट समाज को भी सर्व समाज का सभी बिरादरियों का साथ मिलना चाहिए। दलाल साहब आखिरी सवाल है मेरा, कल जब रात को आपकी तबीयत बिगड़ी थी तो अलचल पीएमओ में भी बड़ी थी, बातें आपके बारे में चली हैं, फाइल खुल रही है बंद हो रही है, बातचीत चल रही है, करें करें ना करें क्या करें, और वहां भी दो धड़े बने हुए हैं ऊपर पीएमओ में, कुछ जो कैबिनेट के मंत्री हैं नेता हैं उनका ये कहना है कि भी तुरंत इस के ऊपर मोहर लगाई जाए और लागू किया जाए, कुछ लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं। ऐसे में पीएमओ में जब हलचल बढ़ती है आपके स्वास्थ्य के खराब होते ही, तो ऐसे में पीएमओ को कोई संदेश आप देना चाहेंगे? मैं प्रधानमंत्री को और प्रधानमंत्री कार्यालय में जो उच्च अधिकारी हैं विशेष तौर पे जो उनके प्रधान सचिव आईएएस डॉक्टर पी के मिश्रा और प्रधानमंत्री को जी मैं एक ये कहना चाहूंगा कि 80 लोकसभा सीटों में जाटों की वोट है जी। अभी बिश्नोई समाज को वो आरक्षण देना चाह रहे हैं, मुझे खुशी होगी उनको आरक्षण मिलने पे, लेकिन वो सिर्फ 7 सीटों पे, हरियाणा में 2, हिसार और सिरसा और राजस्थान की 5 सीट, तो हम 6 बिरादरियों का आरक्षण मांग रहे हैं, त्यागी बिश्नोई जाट रोड मुड़े जाट सिख जाट, इन 6 को 6 को एक कलम से बिना भेदभाव के सेंटर की ओबीसी सूची में शामिल करना चाहिए, और प्रधानमंत्री को ये जो विरोध करने वाला है गुट हो उनकी नहीं सुन के उनको तुरंत जो जाट समाज के और विशेष तौर पर हरियाणा के बारे में जो प्रधानमंत्री ने कहा था जाट समाज को मैसेज दिया था जब 2016 का आंदोलन चला कि मैंने जाट समाज का और हरियाणा का नमक खाया है, तो आज नमक हलाल नहीं बनने का काम करना चाहिए, प्रधानमंत्री को उस नमक के नाम पर तुरंत जाट समाज के साथ न्याय करना चाहिए। चलिए रमेश दलाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और संसार क्रांति परिवार की परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि भाई आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।